त्योहार के सीजन में बाहर से लाने के बजाय क्यों ना मिठाई घर पर ही बनाई जाए। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मावा पिस्ता रोल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर पर इसे आप बहुत ही कम सामान के साथ में और बहुत कम टाइम पे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन फूड जोन। मावा पिस्ता रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा बनाकर तैयार कर लेंगे। मावा बनाने के लिए एक पैन में एक चम्मच घी ले लें, एक कप दूध, 200 ग्राम मिल्क पाउडर और 4 चम्मच के बराबर चीनी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिला लें, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इस तरीके से मावा आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस मावा से आप बहुत तरह की मिठाई बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह से चला लें ताकि सारी सामग्री एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसके बाद इसे आँच पर चढ़ा दें। मावा वाले मिश्रण को आँच पर चढ़ाकर लगातार चलाते रहें। यहाँ पर आँच को आप मीडियम पर रखें, आँच को तेज रखेंगे तो मावा जल जाएगी। मावा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, इस तरीके से बनाएंगे तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट में मावा बनकर तैयार हो जाती है। इस मिश्रण को चलाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुकी है, देख सकते हैं सारे मिश्रण ने साइड छोड़ दी है। अब लगभग मावा बनकर तैयार है। अब यहाँ पर इसमें हम लोग 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी डालने के बाद इसे और थोड़े से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 चम्मच से भी थोड़ा कम ही डालें और इसे अच्छी तरह से चला लें ताकि मावा अच्छी तरह से भून जाए। घी डालने के बाद 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पर भून लें। देख सकते हैं लगभग मावा बनकर तैयार है। हमने जो घी डाली थी वो मावा में अच्छी तरह से मिल चुकी है, देख सकते हैं, और मिश्रण एक जगह पे जमा होने लगी है। मावा रोल बनाने के लिए हमें जिस तरीके से मावा चाहिए बनकर तैयार है। अब इसे रूम टेम्परेचर में ठंडी होने दें। मावा को ठंडी होने के लिए फ्रिज में ना डालें, नहीं तो इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडी होने दें। लगभग आधे घंटे के बाद मावा ठंडी हो चुकी है, देख सकते हैं मावा का टेक्सचर भी चेंज हो गया है। अब थोड़े से मावा को हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस थोड़े से मावा से हम पिस्ता का मिश्रण बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हमने ग्रीन फूड कलर लिया है और थोड़े से कटे हुए पिस्ते, इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। देख सकते हैं पिस्ता का मिश्रण बनकर तैयार है। अब इसे हम रोल कर लेंगे। रोल करने के लिए एक प्लास्टिक में थोड़ी सी घी लगा लें, प्लास्टिक शीट या बटर पेपर आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें पिस्ता का मिश्रण रखकर इस तरह से रोल कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। अब बचे हुए मावा को एक बार अच्छी तरह से मिला लें ताकि इसका सॉफ्ट सा डो जैसा तैयार हो जाए। अब इसे हम बेल लेंगे। प्लास्टिक की सीट को ऊपर में इस तरह से लगा दें और उसके बाद बेलन की हेल्प से इसे पतला बेल लें। इसे थोड़ी लंबाई में ही बेलें ताकि पिस्ता का मिश्रण इसमें रखकर रोल कर सकें। देख सकते हैं लगभग इसे बेल लिया है। अब इसमें हम लोग पिस्ता के मिश्रण को रखकर रोल कर देंगे। इस तरह से रखें और धीरे धीरे फोल्ड करते जाएं। अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक कवर और प्लास्टिक को इस तरह से देख सकते हैं दबाते हुए इसे फोल्ड करें, ये अच्छी तरह से रोल हो जाएगी। धीरे धीरे इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसे रोल बना लें। इस तरह से रोल बनाकर इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए कहीं साइड पर रख दें। ध्यान रहे कि इसे अभी फ्रिज में नहीं डालनी है। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसे हाथ से इस तरह से रोल करते हुए लंबाई में फैला लें और इसे बीच से 2 पीस में काट लें। अब मावा रोल को बीच से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1-1 इंच के टुकड़े में काटा है। इस तरीके से, और देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। हाथ से इस तरह से इसे रोल कर ले, थोड़ी सी शेप दे दे। इसी तरह से सारे मावा पिस्ता रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से दूसरे वाले पीस को भी हम काट लेंगे और उसे भी रोल कर लेंगे। तो देखा आपने कितने कम समय और कितने कम सामग्री के साथ में इस तरह से आप मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं।
इसे बनाना बहुत हार्ड नहीं है, अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ईजिली बन जाती है और ये ख़राब भी नहीं होती है। कुछ मिठाइयाँ होती है ना कि ट्राई करो और वो अच्छी नहीं बनती है, लेकिन डेफिनेटली ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। देख सकते हो बिल्कुल मार्केट वाली लुक आई है। आपके पास यदि सिल्वर फॉइल है तो आप उसमें इस तरह से लपेट दें, और नहीं है तो आप इसे सिंपल ही रहने दें, वो खाने में ऐसे भी बहुत टेस्टी है। आप इसे फ्रिज में 8 से 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।